मेरा नाम मोहम्मद नौशाद हुआ। हमें किसी को सबूत देना नहीं होता कि हम देश प्रेमी हैं कि नहीं है, हम अपना काम करके बताएंगे हम देश प्रेमी हैं कि नहीं है। तो बोलते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ठीक ना। लोग का माइंड में ही बोलता कि एक समुदाय जो देश प्रेमी नहीं है वो है मुस्लिम। हाँ। लेकिन ये मुस्लिम ही बनाते हैं और मुस्लिम डिजाइन किया था। हम लोग खुद बनाते हैं, ये हम लोग खुद बनवाते हैं, ये अपने हाथों स्टिचिंग करते हैं ये, और खुद ही छापा बनाते हैं हम लोग, रात में हम लोग करते हैं काम, ठीक ना। और सारे मिल के लोग खुद काम करते हैं। लेकिन अगर देश प्रेमी नहीं होंगे तो ये काम क्यों करेंगे? और भी काम तो हमारा है, लेकिन हम इसके प्रति और भी कोई कास्ट देखते हैं आप लोग कभी कि कोई कास्ट झंडा बेचता हो? नहीं बेचता है। हम लोग ही कास्ट से ज्यादा, जितना दुकान लगा है यहाँ से बीजेपी ऑफिस के सामने तक जो लगा है सब मुस्लिम कास्ट, सब लोग। ये सिर्फ राजनीति है भारतीय जनता पार्टी, ये अपने रोटी सकते हैं अपने बोल के ना, हमको उसको मतलब। लेकिन हम लोग जो मेरा काम है वो ही करेंगे। ये आपको ये झंडा मिलेगा 15 रुपये साइज का, ये ठीक ना। इसमें बताइए हमें कितना कमा लेते होंगे, क्या कमाते होंगे आप भी बताइए। 2 से 3 रुपया 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, जब भी आता है उससे पहले आप सड़कों पर देखते होंगे कि जो झंडा है भारत का उसको लेकर के खूब ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग विवाद करते रहते हैं। लेकिन हम आपको जिनसे मिलवा रहे हैं ये लोग बेहद ही खास, इनका जब नाम आप सुनिएगा तो आपको लगेगा जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है कि माइनॉरिटी समाज के लोग को कहती है कि खाते यहाँ के हैं गाते किसी दूसरे देश को है, उसको लेकर के इनसे सबसे पहले बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद हुआ। मोहम्मद नौशाद जी, ये झंडा बेचने का काम करते हैं? नहीं, झंडा बेचने का काम नहीं करते हैं, ये हमारा देश प्रति इसका मोहब्बत है, इसलिए हम लोग ये घर घर में तिरंगा हो, इसलिए हम लोग मोदी जी बोलते भी हैं और इस बार भी बोला गया है घर, इसी प्रति हम लोग बेचने का काम नहीं करते हैं। बस ये हम लोग थोड़ा बहुत जो हर हाथ में अगर नहीं बेचेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हर हाथ में तिरंगा कैसे जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं, वो लोग हमेशा से सवाल उठाते हैं कि ये लोग झंडा की बात तो करते हैं लेकिन असली झंडा का मतलब वो लोग नहीं जानते हैं। ये इस झंडे का नियम बोलिएगा, जिसको उसने डिजाइन किया वो भी मुसलमान थे, ये अभी जानते हैं, ये हिस्ट्री जानता है, ठीक है। लेकिन उस बढ़ती ये बात नहीं जानते हैं लोग कि ये क्या क्या था। अभी जो बस बोलते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ठीक ना। लोग का माइंड में ही बोलता कि एक समुदाय जो देश प्रेमी नहीं है वो है मुस्लिम। लेकिन ये मुस्लिम ही बनाते हैं और मुस्लिम डिजाइन किया था। हाँ, हम लोग खुद बनवाते हैं, ये हम लोग खुद बनवाते हैं, ये अपने हाथों स्टिचिंग करते हैं ये, और खुद ही छापा बनाते हैं हम लोग, रात में हम लोग करते हैं काम, ठीक ना। और सारे मिल के लोग खुद काम करते हैं। लेकिन अगर देश प्रेमी नहीं होंगे तो ये काम क्यों करेंगे? और भी काम तो हमारा है, लेकिन हम इसके प्रति और भी कोई कास्ट देखते हैं आप लोग कभी कि कोई कास्ट झंडा बेचता हो? नहीं बेचता है। हम लोग ही कास्ट से ज्यादा, जितना दुकान लगा है यहाँ से मुस्लिम कास्ट, बीजेपी ऑफिस के सामने तक जो लगा है सब मुस्लिम कास्ट, सब लोग। ये सिर्फ राजनीति है भारतीय जनता पार्टी, ये अपने रोटी सकते हैं अपने बोल के ना, हमको उसको मतलब। लेकिन हम लोग जो मेरा काम है वो ही करेंगे। लेकिन एक शक तो होता है ना, 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर मॉब लिंचिंग की बातें होती है तो सबसे ज़्यादा 2014 के बाद से हुई है, तो आप लोग को ऊपर में शक भारतीय जनता पार्टी को क्यों होता है जबकि आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर में झंडा बेच रहे हैं? भैया उनकी राजनीति है यही है, हिंदू मुसलमान का राजनीति करना है और कोई बात नहीं। लेकिन हमें अपना जो काम करना वही करते हैं। हमें किसी को सबूत देना नहीं होता कि हम देश प्रेमी हैं कि नहीं है, हम अपना काम करके बताएंगे हम देश प्रेमी हैं कि नहीं है। पिछले कितने सालों से आप कर रहे हैं? हम ये काम 12 साल से कर रहे हैं। 12 साल से? जी सर। कितना उम्र हो गया? मैं उम्र अभी 30 साल हो गया सर। तो ये कारोबार आपका खानदानी चल रहा है इसका? हाँ, पहले मेरा फादर कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं सर। तो ये कारोबार मतलब कि तो 2-3 दिन का कारोबार ये होता होगा, लेकिन इससे पहले इसका प्लानिंग बहुत पहले से होता? हाँ, बहुत पहले प्लानिंग करते हैं, इससे 2-3 महीने पहले इसका सिलाई होता है, फिर वो प्रिंट करते हैं हम लोग, उसके बाद किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करते हैं सर, ठीक ना। तो ये जो आप बेच रहे हैं ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किस टाइप के कस्टमर आते हैं? जैसे कस्टमर आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा किस समाज के लोग आते हैं, ये भी चीज़ें आप लोग को पता होगी? नहीं, समाज से नहीं मालूम चलता हमको, लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादा आम पब्लिक रहते हैं, नेता लोग बहुत कम यहाँ पे लेते हैं, ठीक ना। फुटपाथ में लोग ज़्यादा आम पब्लिक रहते हैं क्योंकि यहाँ पे चीप इन्वेस्ट मिलता है और यही। अच्छा, हमको एक बार थोड़ा सा रेट बता दीजिए झंडा का, जो जो रेट है वो ये आपको ये झंडा मिलेगा 15 रुपये साइज का ये, ठीक ना। इसमें बताइए हम कितना कमा लेते होंगे, क्या कमाते होंगे आप भी? 2 से 3 रुपया, ठीक है। और झंडा बगल वाला, ये झंडा जो साठ वाला हो गया सर, इस दाम 25 रुपये दाम है इसका, दाम 25 रुपया। हाँ, ये तीन तरफ सिलाई करते हैं हम लोग, प्रिंट करते हैं, मात 5% कमाता है, लेकिन कमाना नहीं हम लोग का। ऊपर झंडा जो है सब बता दीजिए, ये साइज आपको मिलेगा 350 रुपये का ये झंडा, ठीक है। ये सिल्क में है, जो आप देखते हैं पट्टा जैसे फड़ रहता है, ठीक ठीक। और ये बड़ा ये खादी वाला हो गया आपको 450 का था सर? 450 जी सर, ये झंडा। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति आया बोले कि हमको बड़ी जरूरी है एक झंडा मुफ्त में दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए? क्यों सर, देते हैं सर, बोलने के बाद देते हैं
अच्छा 15 अगस्त तक ये कारोबार कर लेते हैं, 16 अगस्त को ये झंडा नहीं खरीदा जाता, तो कोई नहीं खरीदता, ज़्यादा लोग नहीं खरीदते, तो आप उस समय क्या करते हैं उस झंडे को? हम लोग तो बना के रखते हैं, ये फिर अगले साल इंतजार करते हैं। ये हम लोग इसकी इज्जत से सजा के फोल्ड करके एक बक्सा पेटी में उसको रखते हैं, ताकि अगले 26 जनवरी जो बिलाते हैं, फिर 15 अगस्त में इस तरह हम लोग करते हैं। तो 15 अगस्त के झंडा को आप लोग 26 जनवरी को भी बेच लेते हैं, 26 जनवरी के झंडा को 15 अगस्त में बेच लेते हैं। अब से ये बेच रहे हैं आप? 10-20 साल से। कितना? 10-20 साल से ऐसे बेच रहे हैं, ऐसे 13 तारीख से स्टार्ट किए। तो कितना हुआ कि आप 20 सालों से बेच रहे हैं? हम नहीं बेच रहे, मेरे दादा परदादा सब। दादा परदादा आपका झंडा बेचते हैं शुरू से? मेरा दुकान है बगल में टुन्नू खादी, उसी वहाँ पे झंडा बेचा जाता है आप लोग? वहाँ पे दुकान है, 15 अगस्त आता है तो यहाँ पे दुकान खोलते हैं। हाँ, और इसके बाद फिर अपना खादी का दुकान? हाँ, इसके बाद अपना खादी का दुकान। बेच करके आप लोग कुछ और भी कर सकते हैं, केवल ये क्यों लगाते हैं ये बताइए? ये लगाते हैं कि लोग झंडा भी फहरा सकते हैं, जिनके पास नहीं होगा वो आके ले सकते हैं, फ्री में भी दे देते हैं। अगर कोई आदमी अगर ऐसे आया कि भाई हमको झंडा चाहिए, एक झंडा चाहिए, रिक्वेस्ट करता तो दे देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दानिश अली। बहुत सारा बीजेपी का नेता लोग कहता है कि इस देश का खाता है लो, वहाँ का गाता है लो, उन लोग के ऊपर में क्या बोलते हैं? कुछ नेता बीजेपी के बोलते हैं कि खाते यहाँ के हैं, गाते पाकिस्तान के हैं, कुछ लोग नहीं, उनको नहीं। क्या जवाब दीजिएगा? उनको क्या जवाब दूंगा, वो हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे? वो हिंदुस्तानी नहीं है। हाँ, वो इस तरह का जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान का करेंगे वो हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे। बीजेपी के भी कुछ नेता बोलते हैं कि जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, वो खाते यहाँ के हैं, गाते वहाँ के हैं, जबकि उन्हें पता है कि इस देश के लिए मुसलमान लोग भी शहीद थे, मुसलमानों भी शहीद हुए इस देश के लिए, तो कैसे हो सकते हैं? आप कब से बेच रहे हैं ये? हम तो 13 तारीख से। 15 तारीख तक चलता है? 15 के बाद फिर हाँ अपना खादी दुकान में। चलिए, तो ये जो बातें कह रहे हैं कि पिछले 12 सालों से कर रहे हैं, तो इसे ये कारोबार का नाम नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कारोबार करना होगा तो कोई और कर लेंगे, लेकिन अपने देश से मोहब्बत है, पिछले 12 सालों से ये कारोबार कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते रहती है, माइनॉरिटी के ऊपर में सवाल उठाते रहती है, उनके ऊपर में ये करारा तमाचा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वो लोग अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।